जनपद में एक बार फिर से हाथों में लगने वाली मेहंदी विवादों में घिरती नजर आ रही है। इस बार माहौल है हरियाली तीज का, जिस पर मुजफ्फरनगर जनपद में क्रांति सेना ने यह अपील की है कि हरियाली तीज का त्योहार हिंदुओं का एक बड़ा त्योहार है और इस त्योहार पर हिंदू महिलाएं किसी मुस्लिम युवक से मेहंदी ना लगवाएं। अगर कोई मुस्लिम युवक हिंदू महिलाओं के मेहंदी लगाता है तो उससे हमारे धर्म और त्योहार का अपमान होता है। क्रांति सेना महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष पूनम चौधरी ने ऐलान किया कि अगर इस त्योहार के दौरान हमें कोई मुस्लिम युवक हिंदू महिलाओं के मेहंदी लगाते हुए पाया गया तो क्रांति सेना उसे अपने तरीके से सबक सिखाएगी। जी, क्या नाम आपका? मैं पूनम चौधरी, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा क्रांति सेना से। आज आप लोगों द्वारा तीज के त्योहार को लेकर किस तरह का कार्यक्रम किया गया है? आज मैंने और पूनम चावला जी, जो एंटी करप्शन की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हम दोनों ने मिलकर ये महिलाओं के लिए तीज का प्रोग्राम रखा है, जिसमें महिलाओं के लिए नृत्य और उसमें डायलॉग, मिरकरी और नगल उतारने की और सब तरह के हमने यहाँ पे गेम रखे हैं। माचिस का भी गेम रखा है तिल्लियों का, कि जो जल्दी जल्दी तिल्ली भरेगा उसे भी इनाम मिलेगा, तीज क्वीन चुनी जाएगी। और यहाँ पर हमारी मुख्य अतिथि भी आई थी, अनु अग्रवाल जी, माननीय कपिल देव मंत्री जी की वाइफ, और सीमा जैन सभासद, ममता अग्रवाल जी, काफ़ी हमारी जो है विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि आई थी यहाँ पर। हमने प्रोग्राम बड़ा अच्छा किया। तीज के त्यौहार को लेकर क्रांति सेना का एक बयान जारी हुआ, क्या है उसमें बताइए आप लोग किस तरह से? हम अपने चैनल के माध्यम से क्रांति सेना महिला मोर्चा की तरफ से ये अपील करना चाहती हूँ कि ये जो त्यौहार होता है, ये हिंदुओं का एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है, इसमें किसी भी मुस्लिम लड़के से कोई भी महिला मेहंदी ना लगवाए, क्योंकि हिंदुओं का त्यौहार है और अगर कोई भी मुस्लिम लड़का महिलाओं के मेहंदी लगाता है तो हमारे धर्म का अपमान होता है, हमारे त्यौहार का अपमान होता है। इसलिए मैं सभी महिलाओं से, सभी जनपद वासियों की महिलाओं से ये अपील करती हूँ कि ये हिंदुओं का त्यौहार है, हिंदुओं की महिलाओं से ही मेहंदी लगवाएं। जिस तरह से अब तीज का त्यौहार चला गया तो आप लोग बाजारों में घूमेंगे, अगर कोई लड़का पाया जाता है उसके खिलाफ किस तरह से आप लोग कार्रवाई करेंगे? हम समय समय पर इसकी जांच करते रहते हैं, अगर कोई ऐसा मुस्लिम लड़का हिंदू महिला के मेहंदी लगाता हुआ पाया गया तो हम उसका इलाज अपने तरीके से बांध देंगे। और ये तो आप लोगों जानते ही होंगे कि क्रांति सेना इलाज कैसे बांधती है, हम अच्छे से इलाज बांध देंगे उसका। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।